नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देख रहे हैं डेली हरियाणा न्यूज। अच्छा, मोदी का जोर है कि नहीं है? अच्छा, मोदी का जोर नहीं है मतलब की। चलो, और भी उनसे बातचीत करते हैं तो क्या कुछ कार्यकर्ता है। नमस्कार जी, ये मास्टर जी हैं। मास्टर जी, क्या क्या किस तरीके का रुझान देख रहे हो? मोदी के नाम आपने लिया, क्या कुछ काम, किन काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं? विकास पे वोट मांग रहे हैं, राष्ट्रवाद के आधार पर मांग रहे हैं, विकास के नाम मांग रहे हैं। क्या काम विकास का जो आप 5 साल में मोदी ने किया? लोगों को स्वास्थ्य 5 का मुफ्त इलाज दिया है, कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिया है, उसके लोग बड़े आभारी हैं। सारा सुधा ऑनलाइन हो गया है, कोई बिचौलिए बीच में खत्म हो गए हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है आपका। अच्छा, हमने देखा गया कि जो नोट, ये जो अभी इलेक्शन का कैंपेन चला, उसके अंदर कहीं भी नोटबंदी और जीएसटी का नाम नहीं लिया गया। जीएसटी और नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, सरकार के किए गए बड़े फैसले हैं जिसका, मतलब कि प्रदेश के और उसके नाम पर पिछले जो यूपी के चुनाव वहाँ पे वोट मांगे गए थे। इन दोनों चीजों से देश को फायदा हुआ है। जीएसटी आने के बाद बाकी सभी टैक्स खत्म हो गए हैं। नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, काला धन के ऊपर लगाम लगी है, देश उन्नति के रास्ते पर चल रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि काले धन पर लगाम लगी है, लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि हम बाहर देश से काला धन लेके आएंगे। बहुत सा काला धन आया भी है, कुछ जो काला धन देश के अंदर छिपा बैठा था, आज तक भी पुरानी करेंसी निकल रही है, वो सारा काला धन ही था। लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके अंदर तो जितनी, मतलब आरबीआई ने कहा था कि 99% जो है वो वापस आ चुकी है, अब काला धन कहाँ से आएगा? जो 1-2% रहता था वो लोगों ने पुराने नोट दबा के रखे हुए हैं, वो लोग भ्रष्टाचारी थे, देश के दुश्मन थे। चलिए, सारे भ्रष्टाचारी थे और बहुत सारी बातें हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। किसको डाला वोट? मोदी को। भैया, सभी मोदी के समर्थक हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? करमचंद नाम है जी। किस आधार पर आपने वोट किया? मोदी के सुधार के लिए दिया। यहाँ कौन कैंडिडेट है मोदी का कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? नायब सैनी है जी। नायब सैनी है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? युवान चंद जी। सुबह वोट डाल दिया, कितने बजे डाला सुबह वोट? मैंने 8 बजे वोट डाल दिया। 8 बजे वोट डाल दिया, तो क्या लग रहा है कि रुझान जो है अदर पार्टी का कितना का रुझान है जो दूसरी पार्टी है? ऐसा है, रुझान तो हमारी पार्टी का बहुत बढ़िया रुझान चल रहा है और सबसे ऊपर ही वोट लेके चलेंगे हम। मोदी ही है हमारे पास। तो मोदी के नाम पर वोट चल रहा है, मोदी के चुनाव पर वोट चल रहा है। और भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ऐसे जो चुनाव का समय है और चुनाव के समय के अंदर जहाँ पर वोटिंग बूथ है वहाँ पर जब लोगों से हम जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या तो कल को नमस्कार जी, वोट डाली है इनसे पूछते हैं? नहीं, अभी डाल के आएंगे। डाली नहीं वोट? तो क्या आपको लगता है कि मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? बस काम मोदी ने अच्छे किए हैं। हाँ जी, इस कर सारे मोदी कर रहे हैं। क्या वो काम किए? जो सबसे बढ़िया तो ये नोटबंदी, बड़ी नोटबंदी की है। और ये 171 लोगों की मौत हो गई थी नोटबंदी में। वो तो भाई थोड़ा सुख पाने के लिए थोड़ा दुख तो देखना ही पड़ता है। नहीं, जिन लोगों के 171 एक परिवार से चला गया नोटबंदी के चक्कर में, उनको दुख हुआ कि नहीं हुआ? होगा, दुख तो सबको होगा अभी। हाँ जी, देश के। चलिए, फिर भी ठीक है कि नोटबंदी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अभी और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो आने वाले समय है उसके अंदर। हमारे साथ बूथ पे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट मांगी जा रही है उनसे चर्चा करते हैं। हेलो, क्या नाम है जी आपका? शुभम शर्मा, शहरी मंडल महामंत्री युवा मोर्चा। युवा मोर्चा से शुभम शर्मा जी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगी जा रही है, ठीक है, तो क्या नायब सैनी के नाम पर वोट नहीं मांगी जा रही? ये एक सीधा जो भी एक वोट डलेगी वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट है। यहाँ पर एक लोकसभा को नहीं देख कर टोटल पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो भी वोट डल रही है सिर्फ नरेंद्र मोदी। आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रेसिडेंशियली वोटिंग नहीं है, वो अमेरिका नहीं है। हमारे सामने यहाँ पे लोकसभा के लिए हम किसको चुनते हैं? हम अपने सांसद को चुनते हैं, ठीक है,
हमारे यहाँ पर सांसद का वोट होता है, तो क्या मुद्दे हैं ऐसे जो आपके मतलब कि क्षेत्रीय मुद्दे जो क्या किन मुद्दों को लेकर जो मेरे एक सांसद के लिए जरूरी है, क्योंकि हर कोई मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है, तो क्या मोदी कल को कोई समस्या आएगी तो कोई? हमारा तो पहला जो एक सबसे पहला जो प्रधानमंत्री जब बने थे पिछली बार 2014 से और 19 तक की जो एक टर्म रही थी उसके अंदर सबसे पहला मुद्दा यही है कि हमारा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा में कैथल पहुंचे थे और कैथल पहुंचने के बाद उन्होंने एक पत्थर लगाया था कि यहां से पूरा चंडीगढ़ से और हिसार तक 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा होगा और आज हम यहाँ वोटिंग के टाइम पर खड़े हैं कि आज हमारे यहाँ 4 लेन का कार्य पूरा हो चुका है। सबसे पहली वोट तो इसी नाम पर मोदी को पड़ेगी, विकास के नाम पर आप कह रहे वोट, विकास के नाम पर। सेकंड हमारा जो दूसरा मुद्दा पड़ता है आयुष्मान योजना, जो आज एक गरीब परिवार अपना इलाज करवाने में असमर्थ है उनको आज 5 लाख रुपए का 1 साल के लिए इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है जो परिवार 2000। एक चीज और है कि अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों के अंदर GST, नोटबंदी या आयुष्मान योजना का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये पता एक विपक्षी पार्टी द्वारा फैलाया गया एक एजेंडा है ये। नहीं, विपक्षी भाषण तो कोई भी सुन सकते हैं, एजेंडा की क्या बात? एजेंडे के अंदर पता सिर्फ उनको ये बात उठानी पड़ रही है जब विपक्षी बोल रहे हैं कि यह आपने देश के नाम से या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके नाम से वोट मांगी है, लेकिन जब विपक्षी सवाल उठाएंगे तो जवाब देना बनता है। जी ये बात है, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट चल रही है और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास खुश रहने वाला है। तो लोगों के अंदर एक क्रेज दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जो 23 तारीख का रिजल्ट है, 23 तारीख के जो रुझान है वो क्या कुछ रहने वाले हैं। दूसरी साइड जो है कांग्रेस के बूथ लगा हुआ है, उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ पे सभी और भी बूथ हैं उनसे भी बात करते हैं, आगे चलते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक नई 6 महीने पहले पार्टी निकली थी जननायक जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर बूथ पे बैठे हुए अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, रजनीश शर्मा। तो किस तरीके का रुझान आपने देखा कि 6 महीने पहले जो पार्टी निकली है जननायक जनता पार्टी, इन से अलग होकर क्या रुझान लग रहा है कि कितने परसेंट शहर के अंदर वोट निकलता है, गांव के अंदर कितना वोट निकलता है? शहर के अंदर 40% और गांव में है 65%। यानी कि 105% वोट JDP को होगा, 100% से भी ज्यादा। हाँ जी। अच्छा, मोदी की लहर है कुछ? फेल है जी, फेल। अच्छा, तो वहाँ पर भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे कम कैसी है? कोई बात नहीं, ये तो बस बूथ पे जिस पे पर्ची मिली है फटाफट ले जा रहे हैं, चलन पर्ची का लालच है, अभी पर्ची मिलनी चाहिए। तो क्या दुष्यंत चौटाला जी किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं DD शर्मा जी? युवा को रोजगार देना है, शिक्षा, चिकित्सालय, सारे हॉस्पिटल, आम आदमी पार्टी की तरफ बिल्कुल दिल्ली की तरह बढ़िया अच्छा रुझान मिलेगा। हाँ जी, एक भाई और बैठे हैं, क्या नाम है भाई साहब? अरे यार, पहला खोपड़ी नहीं बताओ, नाम बताओ भाई साहब। राहुल है भाई। राहुल है, तो ये थोड़ा व्यस्त है, लेकिन फिर भी इनसे एक चीज पूछेंगे कि किस तरीके का मतलब कि रुझान दुष्यंत चौटाला का पूरे हरियाणा के अंदर दिख रहा है? सही चल रहा है जी इस टाइम तो, पूरा दिख रहा है। कितनी वोट आ सकते हैं, कितने 10 लोकसभा में कितनी सीटें जीत सकते हैं? 5-6 सीट का अनुमान लगा रहे हैं। और भी हमारे साथ हैं जो लोग आए हुए हैं, तो एक और हमारे साथ सज्जन है, क्या नाम है जी आपका? प्रताप सिंह है जी। प्रताप सिंह, क्या आपने वोट डाल दिया? डाल दिया जी। अच्छा, तो किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? मुद्दों के आधार पर डाला है कि बेरोजगारी नहीं दूर हुई जी, झूठे साबित हुए हर मुद्दे, 15 लाख आना था वो नहीं, पाकिस्तान का डर दिखा के हिंदुस्तान को घबरा रहा है, हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, हिंदुस्तान को किसी से कोई खतरा नहीं, ये मुद्दों को हटाकर वोट मांग रहा है अपने तौर पर, ये नाम डिफेंस का लेके, ये बात है, इसलिए हमें पता है, सब जानते हैं, और हमें मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये कुरुक्षेत्र की सीट जो है ये कांग्रेस निकालेगी। कांग्रेस, एक बात और है कि कांग्रेस के यहाँ पे जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो नवीन जिंदल जी हों, चाहे वो सुरजेवाला जी हों, इन लोगों ने पहले पैर पीछे डाली लोकसभा इलेक्शन को लेने, उन्होंने शायद भविष्य देख लिया था यहाँ का। नहीं, लोग बताते हैं, लोगों की सुनी सुनाई है कि जिंदल जी को डरा दिया है जी। लेकिन ये कांग्रेस की सीट चाहे कोई भी आ जाता निकलनी थी, क्योंकि आप क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का किसी को नहीं देख रहा, ये प्रधानमंत्री बनाना है जनता ने, प्रधानमंत्री बनाना है 545 जो MLA बन के जाएंगे, MP बन के जाएंगे वो बनाएंगे,
से। ये मोदी की चाल है कि पहले इस बात को छाड़ू कि कोई प्रधानमंत्री नहीं कोई नहीं, एक तानाशाह अकेला जो है, एक व्यक्तिवाद जो इसमें है, इसको हराने के लिए जनता ने ये गठबंधन हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री का कोई जनता को नहीं। और भी चलो ये भी बात आपकी है कि जो मेन मुद्दों से हटाकर जो वोट किस सेना के नाम पर मांगी जा रही है, चलो और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और क्या कुछ रुझान रहने वाला है। हम परली साइड जाएंगे जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके भीतर की बात जाननी भी जरूरी है कि उनके बीच का जो मूड है वो क्या कुछ रहने वाला है। तो हम परली साइड जाने की कोशिश करेंगे और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ध्यान से रोड क्रॉस करें, क्योंकि जाम की स्थिति है और जाम बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर। तो हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी कोशिश करते हैं जानने की। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? महेश गोगिया। किस तरीके कांग्रेस के अंदर किस तरीके का रुझान देख रहे हैं? एक तरफा इलेक्शन है जी हमारा। अरे किन मुद्दों के आधार पर जो कांग्रेस है, जो मतलब कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो सेना के नाम पर है या अपने जो काम किए उनके नाम पर कांग्रेस किन आधार पर मांग रही है? 72,000 रुपए जो कहे हैं, 15 लाख तो दिए नहीं सरकार ने, 72,000 हम जो 15 लाख आपके डूब गए, डूब गए 72,000 लेने के चक्कर में कम में काम चला लेंगे। 72,000 हमारी सरकार हमको देगी और गरीब परिवार जितने हैं, हम गरीब परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और हर गरीब परिवार के 6,000 72,000 रुपए हर महीने हर खाते में हर मेंबर के आएगा। 72,000 की बात करते हैं, क्या आपको अभी जैसे ये जो बीजेपी के कैंडिडेट जितने कार्यकर्ता बैठे हुए थे, इनका कहना था कि हमने देश के लिए काम किया है, क्या कांग्रेस ने 70 साल में काम नहीं किया? ये तो सब झूठ है। एक बात बताओ मेरे को, जब हमारे वीर जवान शहीद हुए, उनकी जिम्मेवारी तो ली नहीं, जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसकी वो उसकी वाह वाह कर रहे हैं, वो कहाँ से तू कह, जो शहीद गुजरे हैं हमारे, उनकी जिम्मेवारी क्यों? अच्छा, एक बात हो रहा है कि यहाँ पे जो सीट थी कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ पर क्या था कि नवी जिंदा जी एक अच्छे कैंडिडेट थे, क्या कारण हुए कि उनको पीछे हटना पड़ा? ये तो देखो जी, पार्टी का 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और ये भी क्लियर है कि कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं टक्कर दे सकता था नवी जिंदल के अलावा, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि पार्टी जो हाईकमान है उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया जिसको कोई जानता भी नहीं था? मैंने जब अभी एक बात बताऊं मेरे को, जब रणदीप शमशेर सिंह सुरजेवाला आया था कहते में उसे कौन जानता था, पहले बताओ, कोई जानता था? फिर भी उन्होंने जीते सर, जैसे लोगों का इतनी गर्मी के अंदर वोट डालने आ रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा जनाधार बढ़ता जा रहा है और 23 मई को हमारे सिर्फ राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था आज वो 24 इंच पर भी नहीं रहा, क्योंकि उनकी शक्ल दिखा रही है। अच्छा, जो अभी जो बीजेपी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। सर 70 साल पहले जो आज से 50 साल पहले गधे पे बरात जाती थी, आज देखो गाड़ियां पे आज कहां से कहां तक पहुंच गए, कुछ भी था। हाँ ये बात भी है कि 70 साल में काम हुआ है तभी आज हम मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस अपने 70 साल के काम को गिनाने में फेल हुई है? नहीं सर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि काम किया ही नहीं है, तो 70 साल अभी 72,000 की बात कर रहे हैं तो 72,000 के अपने इस लोगों तक तो पहुंचाने में कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने काम रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने 15 लाख का डिंडोरा पीटा था। सारी सर्दी निकाल दी, गर्मी का मौसम भी जाने वाला, अभी तक लोगों के मकान ही नहीं बने सर। तो महंगाई बढ़ी है, मतलब की महंगाई आज पूरे चरम पर खड़ी है सर, चरम पर खड़ी है। तो चलो, ये जो रुझान था ये था कि कार्यकर्ताओं के बीच में जो लोगों के बीच में क्या रुझान है, या क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस की साइड लेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो बीजेपी की साइड लेंगे, या जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जननायक जनता पार्टी का साथ देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो देश के अंदर परिस्थितियां चल रही है, वोट हमें विकास के नाम पर देना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर देना चाहिए, लेकिन वोट किस नाम पर हो रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कोई कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कोई अपने निजी स्वार्थ को लेकर, लेकिन एक जागरूक कार्यकर्ता बनना जरूरी है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आप उन
मुद्दे को देखिए जो आपके निजी मूलभूत सुविधाएं हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले बूथ पर जाएंगे और वहां पे भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ रुझान है।